नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, जिस तरीके से आज सुबह सुबह भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का एक गाना जो कि बदनाम इंटरटेनमेंट पर ए चुनमुनिया रिलीज हुआ है, तो वहीं पवन सिंह का सिनेमा आर्ट्स पर एक गाना फराक फाटल बार रिलीज हुआ है। दोनों लोगों के गाने को लेकर विवाद चल रहा है और विवाद ये है कि किसका गाना है, कौन गाना गाया है। पहले चोरी के आरोप एक दूसरे के जो फैंस है वो लगाते नजर आ रहे हैं, हालांकि ये सच्चाई क्या है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 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 10 घंटा पहले खेसारी लाल यादव गाना रिलीज हुआ है और पवन सिंह का गाना 11 घंटा पहले रिलीज हुआ है और पवन सिंह को खेसारी लाल यादव ने पानी पिला दिया है। यानी कि गाना पर हम बात ना करें बल्कि आज हम बात करें ऐसे समय पर जहां पर खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को पानी पिला दिया, या फिर यूं कह लें कि जो खेसारी फैंस है वो अपना पावर दिखा दिया है और पवन सिंह को जो है वो कहने कहीं पीछे छोड़ दिया है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 4:30 हो रहे हैं। पवन सिंह को इस गाने पर 11 घंटे में 1.4 मिलियन व्यूज मिला हुआ है। ठीक है, 1.4 मिलियन व्यूज जो है वो मिला हुआ है, यानी कि 14,65,000 व्यूज जो है वो कहने कहीं पवन सिंह को मिला हुआ है। और लाइक्स की बात करता हूं तो 1,46,000 लाइक्स है, लेकिन कमेंट्स की बात करता हूं तो 31,000 से ज्यादा पवन सिंह के गाने पर कमेंट्स है। अब मैं खेसारी लाल यादव गाने की बात करता हूं तो खेसारी लाल यादव के गाने पर जो व्यूज मिला है 1.5 मिलियन व्यूज मिल चुका है, यानी कि 15 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिल चुका है। और खेसारी लाल यादव पवन सिंह से व्यूज के मामले में तकरीबन जो है वो लगभग 35,000 ज्यादा हैं, तो लाइक्स में पवन सिंह ज्यादा है। जी हाँ, बात करें तो पवन सिंह भी लगभग जो है 7,000 ज्यादा लाइक्स पाए हुए हैं, लेकिन फिर कमेंट्स में पवन सिंह पिछड़ जा रहे हैं खेसारी लाल यादव से। खेसारी लाल यादव के गाने पर 39,000 कमेंट्स है, तो वहीं पवन सिंह के गाने पर महज 31,000 कमेंट्स है। तो ये अपडेट है 10 घंटा पहले खेसारी का, फिर भी आगे हैं। लाइक्स के मामले में पवन सिंह थोड़ा आगे हैं, लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव के गाने पर लगातार व्यूज जो हैं वो तेजी से मिलता नजर आ रहा है। बाकी इस पर अपनी राय बता दीजिए। धन्यवाद।